कोरोना काल में एक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला भागलपुर से सामने आया, जहां बरारी शमशान घाट पर शवदाह करने वालों की मनमानी ढंग से पैसे वसूलने की कई शिकायतें सामने आई। इन शिकायतों को लेकर भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने नगर आयुक्त और जिलाधिकारी को लोगों को होने वाली परेशानियों से रूबरू कराया। साथ ही कांग्रेस विधायक ने प्रशासनिक पदाधिकारियों से जांच कमेटी बनाकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की बात की। आपको बता दें कि शव जलाने के लिए बरारी शमशान घाट पर परिजनों 21,000 से लेकर 51,000 तक चार्ज किया जा रहा है। आश्चर्य लगता है, पूरे भागलपुर के जनता से काफी शिकायत मिल रही है कि जो कोरोना से संक्रमित होकर जिनकी जाने जाती हैं, जिनकी मौत होती है या और भी जैसे मौत होती है, शमशान घाट बरारी में जलाने जाते हैं तो वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 21,000 से लेके 51,000 रुपया तक बिना पैसा लिए लोग जलाते नहीं। जो सवदा गिरी था वह भी खराब पड़ा है, ऐसा 6-7 दिनों से कोई देखने वाला नहीं। ऐसा तो लगता है कि पूरा प्रशासन ही सुस्त है। नगर निगम हमारा स्मार्ट सिटी में तब्दील हो चुका है।